वेलकम बैक टू साइकोलॉजिस्ट बिलॉग विद क्वेश्चन नंबर टू अबाउट कोरोना वायरस डिजीज दैट हु इज मोस्ट एट द रिस्क फॉर कोविड-19। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? तो इसके जवाब की तरफ बढ़ने से पहले आप साइकोलॉजिस्ट बिलॉग को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। इस पॉइंट पर ये देखा गया है कि लोग तकरीबन तमाम ही उम्र के लोगों को सार्स COV2 का इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हमें कोरोना वायरस डिजीज़ होता है। अब ये सार्स COV2 क्या है? ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। मतलब इसमें ये वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमें सांस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये अलामत WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा स्वेयर केसेस सामने आए उनमें या तो बुजुर्ग थे, मतलब ज़्यादा उम्र के लोग थे, या फिर ऐसे लोग थे किसी भी एज ग्रुप में वो हो सकते हैं जिनको हेल्थ कंडीशंस थी, बहुत दूसरे सेहत के मसले थे, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर नंबर 1 पे आ जाता है, फिर हार्ट डिजीज़ हैं, दिल के मसले हैं, अब फेफड़ों का कोई भी मसला है उसमें अस्थमा है, COPD है, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपदिक है, TB है, लंग्स का, फेफड़ों का कैंसर है, या कोई भी सांस का मसला है, तो वो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए कोविड-19 से, या फिर जिनको कैंसर है या वो शुगर के मरीज़ हैं। ये वो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क में हैं, जिनको ज़्यादा खतरा है कोविड-19 होने का। USCDC ने फर्दर इन पीपल्स को क्लेरिफाई किया और बताया दैट अबाउट दोज हु आर मोस्ट एट द रिस्क फॉर सीवियर इलनेस। अब उसमें ऐसे शहरी जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है और उसके साथ साथ उनको फेफड़ों का या दिल का मसला है बहुत लंबे अरसे से और बार बार होता है, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब इम्यून सिस्टम उनका ऑलरेडी वीक है, वो किसी बीमारी या इन्फेक्शन के खिलाफ नहीं ज़्यादा लड़ सकते, फॉर एग्जाम्पल HIV/AIDS जिनको है, ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। नंबर 4, ऐसे लोग जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों का मसला है और वो डायलिसिस के प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। फिर नंबर 5, ऐसे लोग जिनको जिगर का मसला है, जिगर या तो उनका फैटी होता है या फिर उनके जिगर के ऊपर स्वेलिंग होती है, ये हमारे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में ये लीवर डिजीज़ मोस्टली देखने में आती है, या फिर जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उनको भी लीवर डिजीज़ हो सकती हैं। अब ये देखा गया है कि तकरीबन 94% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस के साथ साथ उनको इन सब हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक हेल्थ प्रॉब्लम लाजमी थी उनके साथ, मतलब वो इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और उसके साथ साथ उनको कोरोना वायरस का अटैक भी हुआ। उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखा गया वो हाइपरटेंशन थी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड अस्थमा। पीछे आपने अभी अभी मैंने आपको बताया कि 94% लोग ऐसे थे जिनको कोरोना वायरस के साथ साथ कोई एक हेल्थ इशू था, लेकिन 88% ऐसे लोग थे जिनको एक से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, 88% ऐसे लोग थे जिनमें एक से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थे, जिनमें हाइपरटेंशन, अस्थमा, इसके अलावा हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लंग्स प्रॉब्लम्स, कोई भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज एक से ज़्यादा थे, वो 88% लोग थे, जिनमें जस्ट एक मतलब कमोर्बिड डिजीज़ थी वो 6.3% ऐसे लोग थे, और जिनमें किसी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं था, जस्ट कोरोना वायरस ने उन पर अटैक किया, वो 6.1% ऐसे लोगों की परसेंटेज थी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि फ्रॉम मोस्ट कॉमन टू लीस्ट के सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का अटैक किन लोगों को हुआ, कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में थे, हैं और रहेंगे कोरोना वायरस के अटैक की जद में, और कौन से हैं जिनको हाइपरटेंशन है। तकरीबन 53.1% ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन हुए तो वो कोरोना वायरस से बच के रहें। फिर ओबेसिटी है 41.7% जो है ऐसे लोगों की देखी गई, डायबिटीज़ जिनको शुगर है 31.7% ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, देन मॉर्बिड ओबेसिटी 19%, क्रोनरी आर्टरी डिजीज 10.4%, एस्थमा 8.4%, कंजस्टिव हार्ट फेलियर 6.5%, कैंसर 5.6%, COPD 5%, क्रोनिक किडनी डिजीज 4.7%, एंड स्टेज किडनी डिजीज 3.3%, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया 2.7%, हिस्ट्री ऑफ सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1%, HIV 0.8%, एंड देन फर्दर मोर।
ये सारा वो कॉमन चार्ट है जिससे हमें ये पता लग रहा है बहुत क्लियरली क्लियरली कि कौन से लोग सबसे ज्यादा रिस्क में हैं कोरोना वायरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इधर प्रेग्नेंट वुमेन्स और न्यू बॉर्न बेबीज आर एट द रिस्क ऑफ कोविड 19 और नॉट। तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को खामला खवातीन को कोरोना वायरस का खतरा है या नहीं है, लेकिन कुछ सबूत या एविडेंस ये बताते हैं कि नॉर्मल हेल्दी नौजवानों की निस्बत अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हमला खवातीन को कोरोना वायरस हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा कोई सीरियस किस्म का मसला नहीं होता, वो जल्दी रिकवर हो जाती हैं दूसरे हेल्दी एडल्ट्स के निस्बत। हाँ, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका उनमें अगर कोरोना वायरस को टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर उनकी मदर्स भी सेफ हैं तो बच्चों में इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से हुई। स्टिल इसका आंसर अंडर प्रोसेस है। सो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको दूसरों तक शेयर लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में मस्त बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।